कौन से ब्रांड का पेपर लें, किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, तो इन चीज़ को लेके मुझे भी कन्फ्यूजन रहती थी। तो मैंने सोचा किसी नई चीज़ पे खर्च करने की बजाय क्यों ना पहले मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं उस पे ट्राई करके देखूं। तो ये जो शादी के कार्ड्स होते हैं जो कि एक साइड से प्लेन होते हैं बट इनकी थिकनेस काफ़ी अच्छी खासी होती है, तो मैंने इस पे ट्राई किया और इसका रिज़ल्ट सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कुछ पेपर्स तो एक साइड से ब्लैंक होते हैं और कुछ दोनों ही साइड से ब्लैंक होते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक स्केच बनाया था वो भी बस 15-20 रुपए वाले स्केच पेन से, और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक नॉर्मल पेपर पे आप स्केच पेन से अगर कुछ बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, बट इसके ऊपर आप देख सकते हैं रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था। इसके अलावा इसी पेपर पे मैंने एक्रिलिक पेंटिंग भी ट्राई की है और उसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था। तो अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि जो भी पेंटिंग में एक्सपर्ट हैं वो इस हैक को ट्राई करें, बल्कि अगर आप बिगनर हैं और आपको कोई कन्फ्यूजन है पेपर को लेके और आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते, तब आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं।